सुने कम से कम मम्मी की रिपोर्ट्स तो आ जाए। रिपोर्ट्स कल आएंगी क्या? कल तक यहीं बैठे रहेंगे? लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कि वो एक डेढ़ घंटे में बताएंगे। आपसे एक बात कहूँ? आपको याद है ना, मैंने एक बार आपसे कहा था कि आपका और फराज भाई का कपल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बिल्कुल गलत थी। आपके साथ फराज भाई जैसा ही लॉयल और सिंसियर इंसान सूट करता है। आज वो जिस तरह थे उन्होंने वाकई में मुझे आपकी कमी नहीं महसूस होने दी। आप चाहती हैं इस निकाह में मैं करोड़ों चले जाऊं? नहीं, करोड़ों तो नहीं, लेकिन 50 लाख होने चाहिए। फराज, वो अम्मी के हॉस्पिटल के सारे बिल्स आपने क्लियर किए थे ना? हाँ। अम्मी की जो हॉस्पिटल की फाइल थी ना, उसमें बिल की स्लिप थी, तो मैंने पेमेंट देख ली थी। ये पैसे आपको देने थे। मानूर, क्या मैंने आपसे पैसे मांगे हैं? लेकिन देने तो होंगे ही ना? उसकी जरूरत नहीं है। देखें, इसे अच्छा नहीं लगता, प्लीज आप ये पैसे रख लें। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्या आपकी अम्मी मेरी कुछ नहीं लगती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा है, आप पर बर्डन पड़ेगा। खामखाम है। क्या आप मुझे इतना गया गुजर समझती हैं? क्या आपको लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपनी जेब से 1.5 लाख रुपए खर्च कर सकूं? नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अगर यही पैसे सकलैन भाई ने दिए होते तो क्या आप उन्हें भी इसी तरह से पैसे वापस करती? सकलैन भाई की बात अलग है, वो अमीर आदमी है ना, वो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। राइट। आपको क्या लगता है अमीर कौन होता है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है मानू, लेकिन इस सवाल का इस बात से क्या ताल्लुक है? क्योंकि दुनिया की नजर में सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास पैसा है, शोहरत है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मुझे ऐसा लगता है कि वो शख्स अमीर है जिसमें खुलूस हो, जिसे अपनों का एहसास हो, जो अपने दोस्तों से पैसे उधार ले लें। सिर्फ मेरी अम्मी का इलाज करवाने के लिए, उनके हॉस्पिटल के बिल्स पे करने के लिए। ये बात आपको किसने बताई? अम्मी ने? वो उन्होंने तो मुझे पैसे दिए थे कि आपको दे दूं। वो बात मुझे उनके साथ शेयर ही नहीं करनी चाहिए थी। एक तरफ आप हमारे बीच के फासले खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप मुझसे कुछ शेयर नहीं करना चाहते। मैं अपनी प्रॉब्लम्स कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ, आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करनी चाहिए। और रही बात सकलैन भाई की, तो प्लीज उनसे अपना कंपेरिजन मत किया करें। वो तो हमारे ही पैसे हम पर खर्च कर रहे हैं। आप ये पैसे रख लें, ये आंटी को दे दीजिएगा। उन्होंने पता नहीं कैसे किन मुश्किलों से ये पैसे जोड़े होंगे। प्लीज उसकी फिक्र आप मत करें, मैं उनको पैसे वापस कर दूंगा। फोन पर कैसे वापस करेंगे उन्हें पैसे? ऑफिस से लोन लेंगे और वो लोन आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा, जिसकी वजह से घर का बजट डिस्टर्ब होगा। देखिए, मेरे लिए इन पैसों की कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए आपका खुलूस बहुत अहमियत रखता है। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी मौजूदगी मुझे तहफ्फुज का एहसास दिलाती है। ये पैसे मेरी नज़र में इनकी कोई अहमियत नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज़ ये पैसे रख लें।
ये लीजिए चाय, ये आपकी, ये आपकी। रीबा बेटा आज तुम अपने घर चली जाओ। अम्मी अगर अरीबा भी घर चली जाएंगी आप पीछे से अकेली हो जाएंगी, और मुझे तो यूनिवर्सिटी जरूर जाना है आज। तुम्हारे तो बहाने ही नहीं खत्म होते, और ऐसी कौन सी पढ़ाई है तुम्हारी हाँ जो छुट्टी करके अम्मी के पास नहीं रह सकती। क्या हो गया आपको, मेरे लेक्चर मिस हो जाएंगे, अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो इन द एंड पता है क्या होगा, मेरी परसेंटेज ना बिल्कुल कुछ अच्छी नहीं आएगी। मैं ना एक काम करती हूँ, महानूर आपे को कॉल कर लेती हूँ, वो अम्मी के पास आ जाए। नहीं, कोई जरूरत नहीं उसे बार बार परेशान करने की। नहीं, शादी हुई है उसकी, क्या सोचेंगे उसके ससुराल वाले, हमने अपनी परेशानियों में उसे उलझा कर रखा हुआ। सकलैन बहुत नाराज हो रहे थे अम्मी, कह रहे थे कि रमशा बार बार फोन करके फराज को बुलाती है। वो महानूर का शौहर है, हमारा नौकर नहीं है। वैसे भी हर कोई सकलैन की तरह नहीं हो सकता, महानूर पे घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसको रोज रोज यहाँ नहीं बुलाया जा सकता। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। ठीक है फिर। क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग मेरे लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों ले रहे हो टेंशन? आप भी परेशान मत हो, मैंने महानूर से वादा किया था कि मैं आपको एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें सकलैन को भी तो देखना है ना। रमशा यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो मैं चली जाऊंगी। सकलैन से कोई बात हुई तुम्हारी? अभी थोड़ी देर में फोन करती हूँ मैं। कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। तो क्या ख्याल है, हनीमून के लिए टर्की चले? हनीमून? हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, सोचते हैं इस बारे में। क्या मतलब है सोचते हैं? आप आज और अभी प्लान फाइनल कर रहे हैं और हम दो तीन दिन में टर्की जा रहे हैं। आपको पता है मुझे टर्की बहुत पसंद है। अरे भाई, यूं अचानक से तो नहीं जा सकते ना, कुछ दिन लगेंगे, कुछ पेपर वर्क है वो कंप्लीट करने हैं, जरूरी है। कुछ बोलना नहीं, अरीबा का फोन है। सकलैन, खबरदार आपने अरीबा से मेरे सामने बात की। आप क्या चाहते हैं कि हमेशा मुझे आपकी दूसरी बीवी होने का एहसास होता रहे? अरीबा मेरी बीवी है। जानती हूँ मैं, लेकिन मुझसे उसका वजूद बर्दाश्त नहीं होता। कम से कम आप मेरे सामने उसकी कॉल रिसीव करके मुझे तकलीफ मत दिया करें। आप जानते हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, कितना चाहती हूँ मैं आपको। तुम्हारी यही बातें तो मुझे बर्बाद कर देती। मुझसे दुगनी उम्र है इस बुड्ढी की, और आशिकी का भूत तो देखो, एक बार इसका बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, इसके बाद ऐसा मजा चखाऊंगी सारी जिंदगी याद रखेगा। नो फोन। ओके, किसी और का भी फोन आ सकता है।
अम्मी अम्मी आपके पैसे। लेकिन बेटा तुम्हें जरूरत थी ना पैसों की। नहीं अब जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपने महरूर से ये बात करके ठीक नहीं किया। मगर उससे छुपाने वाली भी ऐसी कोई बात नहीं थी। वो इस घर का फर्द है, बीवी है तुम्हारी, कोई गैर थोड़ी है जो तुम उसे अपनी परेशानियां छुपाओ। एक बात बताओ मुझे, ये अचानक लाखों का उधार क्यों चढ़ गया तुम पे? मैंने तो एक पाई से ज्यादा नहीं मांगा तुमसे। तुम जो भी घर का खर्च देते हो बस उसे मैं गुजारा करती हूँ। मैं हॉस्पिटल का बिल भरा है तुमने या मानूर के लिए जो चैन लिए उसके लिए कर्ज उठाया है? ये इमरजेंसी थी, आंटी का टेस्ट होना जरूरी थे उसमें। वैसे मैं आपको बता दूं कि मानूर ने वो पैसे दे दिए। लो अब ये भी मुझ पर एहसान है कि उसने पैसे दे दिए। नहीं अम्मी आप भी देखो बेटा, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। पर तुम्हारा अपना पैसा है, जिस पे चाहो जहाँ चाहो तुम खर्च करो। क्या हुआ मानूर, जल्दी करें, देर हो रही है। आपकी तो खैर है, मेरा टाइम मार्क होता है। बस बस 5 मिनट चलते हैं अभी। क्या ढूंढ रही? फराज आपने मुझे एक चेन गिफ्ट की थी ना, वो मैंने यहीं रखी थी लेकिन अब मिल नहीं रही है। कहाँ जाएगी, यहीं होगी। मैंने यहीं रखी थी अपनी बाकी ज्वेलरी के साथ, मगर ये दराज तो लॉक होती है। अगर लॉक ना भी हो तब भी इस घर से कोई चीज गायब नहीं हो सकती। आपको सही तरह से याद है ना कि आपने यही रखी थी? कहीं ऐसा तो नहीं किसी बैग में या कहीं और रख दी हो? नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने चेन यही रखी थी लॉक करके। इनफैक्ट इसमें थी, देखिए ये बॉक्स खाली है लेकिन चेन नहीं है इसमें। यहाँ से चेन कहाँ जा सकती है? मैं दोबारा चेक करती हूँ। घर पे होती और तुम्हारे कमरे की सफाई मैं खुद अपने सामने करवाती। बाकी मासी बहुत ईमानदार औरत है, उसने आज तक हमारे घर से एक सिक्का तक नहीं उठाया। तो फिर चेन जा कहां सकती है? अरे तो अपनी बीवी से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब इसकी चीजें है ना, इसकी जिम्मेदारी है संभालना। हद है लापरवाही की, सोने जैसी चीज गुम कर दी। आंटी मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अपनी अलमारी में लॉक करके रखी थी चेन। कहीं तुम अपनी माँ के घर तो नहीं छोड़ आई? अम्मी के घर? यकीनन वहीं भूल आई हो, देखना वहीं से मिलेगी। आंटी ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो वो चेन पहनी ही नहीं, जैसी थी वैसे ही मैंने अलमारी में लॉक करके रख दी। अरे तो फिर क्या, जिन भूत लेकर गए, अब इस घर में कौन चोर हो सकता है?
या तो फिर ये कहो या मैंने उठाई है या आयमा ने उठाई है। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो बेटा ढूंढो, क्योंकि मेरे बेटे ने अपनी मेहनत और हक कलाल की कमाई से खरीद कर दिया तुम्हें। और तुमने 4 दिन की नाकदरी में खो दी। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम बता रही हो ना कि तुम्हारी अलमारी को ताला लगा हुआ होता है और उसकी चाबी भी तुम्हारे पास थी। भाई हम में से कौन निकाल सकता है? अब तुम झूठा इल्जाम लगाओ वो अलग बात है, और मेरी बात सुनो, तुम्हारा जेवर सामने भी रखा हो ना तो मैं कभी आंख उठाकर नहीं देखती। गरीब जरूर है बेटा जी, पर अल्लाह का शुक्र है चोर नहीं है। अगर हम ऐसे होते ना, दूसरों का नुकसान करने वाले और उनका हक मारने वाले, तो हम भी ना डिफेंस में किसी बड़े बंगलो में बैठे होते, यूं सादा जिंदगी ना गुजार रहे होते। हेलो गाइस। हेलो, क्या हाल है? हाल है ठीक यार? तू आया नहीं कल रेस में, बहुत मिस किया तुझे हमने। यार सच बताऊं, जिस दिन हैवी बाइक ले लूंगा ना उस दिन सबसे पहले तुझे हराऊंगा। सुनो इसकी, अब ऐसा भी कोई बच्चों का खेल नहीं है हमें हराना। यार तू कोई सेकंड हैंड बाइक क्यों नहीं ले लेता? सेकंड हैंड बाइक भी कौन सस्ती आएगी। मेरे डैड ने मुझसे वादा किया है कि वो नेक्स्ट मंथ मुझे न्यू बाइक खरीद कर देंगे, तो मेरी तू रख लेना। अरे मेरे भाई वो कौन सी सस्ती होगी, वो भी तो काफी एक्सपेंसिव है। क्यों? अरे तो तू भी तो अपना दोस्त है, दे देना 2-2.5 लाख डैड को सेटिस्फाई करने के लिए। 2-2.5 लाख? हाँ 2-2.5 लाख तो मैं अरेंज कर ही सकता हूँ। चल डील डन। खाला की तबीयत कैसी है? हाँ काफी बेहतर है। माँ तो तुम परेशान क्यों लग रही हो? नहीं मैं ठीक हूँ। तो फिर इतनी जल्दी क्यों आ गई? 2-3 रोज रुक जाती माँ। अम्मी ने भेजा है, कह रही थी कि आप परेशान हो रहे होंगे। खाला भी ना, ये लास्ट है। मैं आगे बस ठीक हो गया। अच्छा हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, अगले हफ्ते मैं तुर्की जा रहा हूँ 5-6 रोज के लिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम यहाँ घर पे परेशान रहोगी बिला वजह, खाला की तरफ चलेगी। अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर से, मैं सोच रही थी आप भी साथ चलते तो ज्यादा बेहतर था। क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ जाकर, और मैं तो कहता हूं कि तुम भी डॉक्टरों का चक्कर छोड़ दो, और सच मानो तो अब मेरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मैं चाहती हूं कि हमारी कोई बात नहीं, हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में जिनकी औलाद नहीं। क्या मैंने कभी शिकायत की है तुमसे? चल। बल्कि मैं तो कहती हूं कि उसे कहो नौकरी छोड़ दे और घर में बैठे। क्या दफ्तर में अच्छा लगता होगा कि तुम अपनी बीवी के सामने मैडम मैडम करके उसका हुक्म बजा लाओ? हाँ
नानी से बात हुई है मेरी। नहीं नहीं प्लीज़ तुम उन्हें कुछ मत बताना। नहीं मैम, मैंने अच्छी तरह से देखा, फिर भी सोचा एक बार तुमसे पूछ लूँ, शायद गलती से वहीं कहीं रह गई हो। ठीक है ओके। ऐसे कैसे अजीब बात है, मतलब आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? चीजें खो जाती हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि खुद को ही डिस्टर्ब करे। अगर मेरी कोई अपनी चीज खो जाती तो मैं कभी भी इतनी अपसेट ना होती। लेकिन वो तोहफा आपने मुझे दिया था शादी के बाद पहली दफा, और मैंने एक बार भी नहीं पहनी थी। मानूर, वो तोहफा आपके लिए ज्यादा अहम है या मैं? अच्छा, हम अब इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। हो सकता है कि मुझे मिल जाए, और ना भी मिली तो इट्स ओके। वैसे ही दो चार दिन से आप आंटी की वजह से बहुत परेशान हैं, और अभी मैं तो बस आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। आंटी की रिपोर्ट्स को रिव्यू करने के लिए मैंने अपने उसको भेज दी थी। उसने एक बहुत ही अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से बात की है, अब वो उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मैसेज कर देगा मुझे। आप बिल्कुल परेशान मत हो, वो डॉक्टर अच्छा होगा। थैंक यू। अम्मी, एक बात पूछूं आपसे? कहीं माहिर ने तो भाभी की चेन नहीं चुराई? क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा बच्चा चोर है जो उसका जेवर चोरी करेगा? नहीं, लेकिन आपने कहा तो था कि माहिर ने पहले भी आपके वॉलेट से पैसे चुराए थे। हाँ, तो अपनी माँ के बटुए से निकाले थे, तुम भी तो पैसे निकाल लेती हो ना। मैंने कभी आपकी इजाजत के बगैर आपके पैसे नहीं निकाले। माहिर पैसों के मामले में हमसे पहले भी झूठ बोल चुका है, और आपको याद है ना स्कॉलरशिप की फीस उसने। अच्छा, मगर मेरा दिल नहीं मानता कि माहिर इस तरह की हरकत कर सकता है। उसे जेवर चुराना था तो मेरा चुरा सकता था, और मानूर के दराज को तो लॉक लगा होता है और चाबी उसके अपने पास होती है। लेकिन हो सकता है कि माहिर को चाबी मिल गई और दराज उसने खोल ली। मेरा दिल नहीं मान रहा अम्मी, आप एक बार उससे पूछिएगा। मेरा शक सिर्फ और सिर्फ माहिर की तरफ ही जा रहा है। वो इसलिए कि बिला वजह का बैर है तुम्हें उससे, हर वक्त तुम दोनों झगड़ा करते रहते हो। झगड़ा वो शुरू करता है हमेशा अम्मी। अच्छा जो भी है, खुद पूछ लूंगी मैं उससे। तुम फराज और मानूर के सामने इस बात का जिक्र ना करना, पता चले कि वो बेचारा बेकसूर है, बिला वजह का मुजरिम बन जाए। मुझे तो लगता है कि सेवर भी कोई नहीं गुम हुआ, ड्रामा कर रही है, चाहती है कि हम फराज के सामने शर्मिंदा हो जाएं। चेन गायब होने वाली बात खुल चुकी है, और ये आयमा की बच्ची अम्मी को डायरेक्ट मेरे खिलाफ भड़का रही है। इस वक्त अगर मैं बाइक घर लाया ना तो सबको शक हो जाएगा। बाइक कुछ अरसे के लिए सलमान के घर खड़ी कर देता हूँ, ये मामला भूल जाएंगे तो ले आऊंगा। ये
फाइल ले जाकर मानूर मैम को दे दूं और बाकी मैं उनसे खुद डिस्कस कर लूँ। फराज साहब, आप अब भी उन्हें मैम कहकर बुलाते हैं? अब तो वो आपकी बीवी बन चुकी हैं, एटलीस्ट अब तो उन्हें नाम से बुलाया करें आप। वैसे तो इस बात से तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं, मगर मैं उनको मैम कहकर ही बुलाऊंगा क्योंकि वो इस पूरे ऑफिस की बॉस है। अरे फराज साहब, बीवियां तो घर पर भी बॉस होती हैं, अगर हुक्म ना मानो तो जिंदगी हराम हो जाती है। वैसे फराज साहब बड़े आइडियल शोहर होंगे, सारा दिन ऑफिस में यस मैम करने के बाद घर पे कोई दिक्कत नहीं पेश आती होगी हुक्म बजा लाने में। वैसे फराज साहब, घर पे ज्यादा डांटती तो नहीं आपको आपकी मानूर मैम? फराज, वो लंच कर लिया आपने? नहीं, अभी एक फाइल पर काम करूं, उसके बाद करूंगा लंच। ये सब तो लंच कर चुके हैं, लंच का टाइम भी खत्म हो गया। एक काम करते हैं, लंच कर लेते हैं, उसके बाद आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलें। आपसे मैंने प्रोक्योरमेंट कैपेसिटी की डिटेल मांगी थी, वो मिली नहीं मुझे अब तक। मैम, मैं उसी फाइल पे काम कर रहा हूँ। लंच के बाद मुझे ये प्लान जीएम साहब से डिस्कस करना है, इसीलिए ये फाइल मुझे 15 मिनट में मिल जानी चाहिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मैम, काम पर तवज्जो दें। क्या बात? वो मुझे ना तुम्हें सॉरी करना था, तुम्हारे साथ एक्चुअली मैं लंच पे नहीं जा पाई। तुम तो जानते हो ना कि आप ही की कॉल आ रही थी और अम्मी की तबीयत कितनी खराब है, मेरी वजह से तुम्हारा प्लान डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैंने अपना प्लान कैंसिल नहीं किया था, मैं तो अरूबा के साथ चला गया था। यू नो, मैंने अरूबा ने खूब इंजॉय किया, बहुत मजे किए हम लोगों ने। वैसे एक बात तो बताओ, अगर लाइफ में तुम यूं ही डरती रहोगी अपने बहन और अपने बहनोई से, लाइफ को एंजॉय कैसे करोगी? एनीवेज, इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अरूबा ने मुझे एक परफ्यूम गिफ्ट किया जिसकी फ्रेग्रेंस कमाल की है। गिफ्ट? गिफ्ट किस खुशी में? क्या कोई ओकेजन था? अरे, दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए किसी ओकेजन की थोड़ी जरूरत होती है। अरूबा तो वैसे ही मुझे बहुत सारे गिफ्ट देते रहती है, कभी घर आओ तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आगे बेटा। वालेकुम अस्सलाम। मानूर आज फिर अपनी अम्मे की तरफ चली गई है? नहीं तो, वो तो ऑफिस में, वो एक्चुअली आज हमारे सीईओ आए हुए थे, रात में वो वापस चले जाएंगे तो एक इमरजेंसी मीटिंग हो गई जिसमें सारे मैनेजर्स और सीनियर मैनेजमेंट का होना जरूरी था। बड़ी वैसे अजीब बात है, शौहर दफ्तर से घर आ गया और बीवी की वापसी का कोई पता नहीं। नहीं, जॉब तो जॉब है ना, कभी कभार मैं भी तो लेट आता हूँ, रुकना पड़ जाता है मुझे। अरे बेटा, चूल्हे में डालो ऐसी जॉब को जिसकी वजह से बहू के पास घर के लिए वक्त ना हो, अपने शौहर का ख्याल ना रख सके। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उसे कहो नौकरी छोड़ दे और घर में बैठे। और वैसे भी बेटा, क्या दफ्तर में अच्छा लगता होगा कि तुम अपनी बीवी के सामने मैडम मैडम करके उसका हुक्म बजा लाओ? इस शौहर का एक अपना रोब होता है, दबदबा होता है, अब बीवी के सामने शौहर सर झुकाए खड़ा हो कितना बुरा लगता है। हमी आपको जानती हैं कि मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो बीवी पर शौहर होने का रोब जमाते हैं, और
अगर वो मेरी बॉस ना भी होती तब भी मैं उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता हर हाल में। और दूसरी बात यह है कि मैं उसको कभी भी जॉब छोड़ने का नहीं कहूंगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसमें मेरा कोई फायदा है, बल्कि ये उसका करियर है। ये तो उसकी मर्जी है कि वो चाहे तो जॉब को कंटिन्यू करे चाहे छोड़ दे। मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरी कोई मुदाखलत बनती है, बल्कि मेरी तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी उससे ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। बस तू मेरी जबान को ताला डाला करो कि मानूर से ये मत कहना, मानूर से वो मत कहना। अच्छा भाई, मैं कुछ नहीं कह रही किसी को भी, जिसका जो दिल करे करे, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। जा रहे हैं? तुम्हें बताया था ना मैंने कि खाना है, इसलिए घर पे कपड़े चेंज करने आया था। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। देखो, बिजनेस कम्युनिटी का खाना है, कोई घर का इवेंट नहीं है जहाँ मैं तुम्हें लेके जाऊँ। वापस कब तक आएंगे? क्यों इतनी इंक्वायरी कर रही हो? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि रात का खाना मैं, अगर मुझे देर हो जाए तो इंतजार मत करो और ना ही कॉल कर। जिमी, आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। बोलिए, बैठो। जी, मानूर की सोने की चेन गुम हुई है, तुमने देखी है कहीं? नहीं तो? पक्की बात है ना? देखो माहिर, मुझे शर्मिंदा ना करवा देना। मैं आपको भला क्यों शर्मिंदा करूंगा? वैसे भी मैं इस घर में होता कहाँ हूँ, मुझे क्या पता कौन सी चीज खा रखी होती है। घर पे तो तुम नहीं होते और तुम्हें ये भी नहीं पता कि घर में किस चीज की जरूरत है। अम्मी, पढ़ाई छोड़ के घर पे तो नहीं बैठ सकता हूँ। बेटा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। घर पर भी टिका करो, दोस्तों को टाइम कम दिया करो, हमारे साथ भी तो कुछ वक्त गुजारा करो। मैं दोस्तों के पास कंबाइन स्टडी के लिए जाता हूँ। पढ़ाई नहीं करूंगा तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लूंगा, स्कॉलरशिप कहाँ से लूंगा? समाहिर, इस बार अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिले ना, मुझे लाजमी बताना, वरना तुम्हारा पिछला झूठ भी मैं फराज को बता दूंगी। आप बार बार मुझे एक ही धमकी क्या देते रहती है? मैं एक काम करता हूँ, फराज भाई के पास जाता हूँ और खुद सब कुछ सच सच बताता हूँ, बात ही खत्म। शर्म करो, बड़ा भाई है तुम्हारा, उसने अगर हाथ रोक लिया ना, तुम्हारे खर्चे कौन पूरे करेगा? कि बार बार ये ढोस मत जमाए करें। अम्मी, वो मेरा एक दोस्त है, अपनी बाइक सेल कर रहा है, पुरानी है लेकिन वो बाइक मुझे हर हाल में चाहिए। इस दफा अगर स्कॉलरशिप मुझे मिल गई ना, मैं भाई से फीस के पैसे लूंगा और वो बाइक खरीदूंगा, बात खत्म। खराब है इस लड़के का। बाला, अब तबीयत कैसी है आपकी? मैं पहले से बेहतर। चले, अच्छी बात, ये आपके पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वैसे इस महीने के अखराजात तो मैं आपको दे चुका हूँ, फिर पैसों की क्या जरूरत पड़ी? वो बेटा, इस दफा जरा खर्चा ज्यादा हो गया, रमशा को भी कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई थी,
हालांकि मैंने आपसे कहा भी था अखराजात पे कंट्रोल कीजिए। आपको अंदाजा है ना कि कुछ महीनों से आपकी इनकम बहुत कम है, दुकान भी आपकी बिक चुकी है, घर भी खाली। वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि उस घर को रेनोवेट करवा लीजिए, मगर आपने मेरी सुनी नहीं। वैसे मेरा ख्याल है कि उस मकान को बेच देना चाहिए। लेकिन सकलैन बेटा, बेचने की क्या जरूरत है? खाली पड़ा हुआ खाला, मट्टी का ढेर हो जाएगा कुछ अरसे, अभी बेचेंगे तो चार पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। अम्मी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब एक चीज का फायदा ही नहीं है तो सफेद हाथी क्यों संभाल कर रखे। अला रीबा बिल्कुल ठीक कह रही है, खाली मकान है, पड़ा पड़ा सड़ा है, और वैसे भी हर चीज का ध्यान मुझे रखना पड़ता है। बंद मकान के अखराजात हैं, बिल्स वगैरह हैं जो मुझे पे करने पड़ते हैं, और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मैं और क्या क्या करता। अभी आप मकान भेज देंगी तो आपको अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, चाहे तो उसको बैंक अकाउंट में डाल दीजिए, उसका प्रॉफिट आता रहेगा, या फिर बेटियों को उनका हिस्सा दे दीजिए। वैसे मैं आपको सिर्फ मशवरा ही दे रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है इस बारे में। नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, बात दिल को लगी है मेरी। ठीक है, फिर मकान बेच के अरीबा और माही का हिस्सा इन्हें दे देंगे, और रही बात रमशा की, तो उसके लिए एक बैंक अकाउंट खोल के इसमें रकम जमा करा देंगे, उसकी शादी के काम आएगी। यही ठीक रहेगा। चाय? कुछ और ऑर्डर करने? नहीं नहीं, तो बहुत है। काफी कम खाती हो, आई थिंक शायद डाइटिंग कर रही हो तुम। नहीं, मैं इतना ही खाना खाती हूँ, और मतलब इतना खाना ठीक ही होता है, और मुझे क्या जरूरत है डाइटिंग की? वैसे डाइटिंग की जरूरत तो है तुम्हें, तुमने अरुबा को नहीं देखा, कितनी फिट, कितनी स्मार्ट है वो। वैसे अरुबा से ज्यादा कुछ इम्प्रेस नहीं हो, आई मीन मेरे लिए तो मुझे लगता है कि वो एक तेज और चलाक खातून है, और कुछ नहीं, कितनी स्मार्ट है वो, आई मीन मुझे तो बहुत तेज लगती है वो। नहीं, अब वो इतनी चलाक भी नहीं है, बहुत मासूम सी है वो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तभी शायद मैं उसको इतना पसंद करता हूँ। मैं इतनी आसानी से लोगों से इंस्पायर नहीं होता, लेकिन अरुबा से। बेटे बिल दे दीजिएगा। Thank you. Okay. यार, मेरा वॉलेट मेरे पॉकेट में नहीं है। कहीं गिर गया होगा, हमें याद नहीं होगा शायद। हाँ शायद। मैं बिल दे देती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यार बात बिल की नहीं है, फिर मुझे शॉपिंग करनी थी, टिकट खरीदी थी, सब प्लान खराब हो गया। पता नहीं यार अब क्या होगा। देखना चाहिए था ना कहाँ है तुम्हारा वॉलेट। माय